Hey guys, welcome to Chemistry 101. How are you all? So, in the last video, we started with the chapter polymers and we also did the classification of polymers. तो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ दो टाइप की क्लासिफिकेशन करी थी. फर्स्ट वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के पॉलीमर्स हैं. फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर्स एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स. तो लेट्स सी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स. देखो, एडिशन पॉलीमर्स में जो मोनोमेरिक यूनिट्स हम लेते हैं, दे कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट. बट जो कंडेंसेशन में हम मोनोमेरिक यूनिट्स लेते हैं, उनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, राइट. सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट डिफरेंस. एडिशन पॉलीमर्स में द मोनोमर्स कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वेयर एज इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर बाईफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल. मतलब या तो दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे या फिर तीन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, राइट. अब देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में. देखो, जब हम एडिशन की बात करते हैं, जब एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, तब हम कहते हैं कि इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता हमें, राइट. बट जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं, तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं आफ्टर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड और इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है. ऑलराइट, सो लेट्स राइट द सेकेंड डिफरेंस. नो byproducts are obtained, but in case of condensation polymers, small molecules, like ammonia, NH3, HCl, hydrochloric acid, water, H2O, or you can also say alcohol, C2H5OH, are eliminated. तो मतलब इसमें छोटे छोटे molecules eliminate हो जाएंगे after the process, but addition में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Alright? So this is the main difference between addition and condensation polymers. अब इसके कुछ examples देख लेते हैं, right? देखो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगी एडिशन पॉलीमर का. देखो, जब हम एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं, सपोज मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल इथीन, ठीक है. अब इस इथीन मॉलिक्यूल के साइड में मैंने और इथीन मॉलिक्यूल्स रख दिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साइड में एक और रख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. अब ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ रिपीटेडली ऐड होते जाते हैं. देखो कैसे होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे, फिर ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे. तो ऐसे ही इस मॉलिक्यूल पे भी कोई डबल बॉन्ड अटैक कर रहा होगा, राइट. और ऐसे ही इस मॉलिक्यूल पे भी, ये मॉलिक्यूल भी किसी और पे अटैक कर रहा होगा, राइट. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे. अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर रहा है, तो वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा. तो मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा दिया. अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड, ऑलराइट, CH2. इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा
सिंगल बॉन्ड सी एच टू, अगेन दिस विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा लाइक दिस, द चेन विल गो ऑन. ऑल राइट, लेकिन हर एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम इस तरह नहीं दिखाते. तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल राइट दैट सपोज वी हैव एन सी एच टू मॉलिक्यूल्स. मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास एन इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो अगर ये एन इथीन के मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिपीटिंग यूनिट मिलेगा CH2 होल एन. हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ कि कोई एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, और वो यूनिट कौन सा है, ये वाला. तो दिस इज़ द रिपीटिंग यूनिट. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस रिपीटिंग यूनिट को यहाँ पे लिख के इस पे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे कि ये एन टाइम्स रिपीट हुए जा रहा है. सिंपल, राइट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं एडिशन पॉलीमर का. ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्यूटा 1,3 डाइईन सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू. ये क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, 1,2,3,4 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे वी हैव डबल बॉन्ड, इसीलिए डाइईन, राइट. अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक दूसरा मोनोमेरिक यूनिट विच इज़ नोन एज स्टाइरीन. इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा. इस पे कोई अटैक कर रहा होगा, लेकिन इस पे जो अटैक कर रहा होगा वो होगा स्टाइरीन, राइट. और जो ये मॉलिक्यूल है ये अटैक करेगा स्टाइरीन पे. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही किसी स्टाइरीन मॉलिक्यूल ने इस पे अटैक करा, दिस डबल बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड हियर एंड दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू अटैक ओवर हियर, राइट. अब ये डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा किसी दूसरे ब्यूटा 1,3 डाइईन मॉलिक्यूल पे, और ऐसे ही ये प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा, राइट. तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट जो फॉर्म होगा, लेट्स सी क्या होगा, अगर मैंने एन मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं और मैंने एन मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा स्टाइरीन मॉलिक्यूल के बीच में और ब्यूटा 1,3 डाइईन के बीच में. तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. देन दिस सी एच हैज़ अटेंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड. अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, राइट. सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू. ओके, अब ये सी एच टू मॉलिक्यूल यहाँ पे अगेन किस पे अटैक कर रहा होगा, एक दूसरे ब्यूटा 1,3 डाइईन के मॉलिक्यूल पे. तो ऐसे ये चेन चलती जाएगी. इसको मैं एज इट इज बनाऊंगी यहाँ पे लाइक दिस. सो दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट. सो आई विल शो इट एन टाइम्स. मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक यू कैन नोट इट डाउन. ओके, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस पॉलीमर एंड द पॉलीमर विच आई डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, तो देखते हैं. देखो, पहले मैंने जो पॉलीमर बनाया था विच वॉज यूजिंग ईथीन, मतलब यहाँ पे एक ही मोनोमेरिक यूनिट मैंने यूज करा था CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये फॉर्म हुआ था, राइट. दिस इज पॉलीइथीन, बस मैंने मोनोमर के आगे पॉली लगा दिया. उसके बाद जो मैंने मोनोमर बनाया दैट वॉज यूजिंग ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन लाइक दिस. तो इसको हम बोलेंगे, मैं दोबारा बना देती हूँ,
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये बनाया, राइट? तो ये ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से फॉर्म हुआ है, इसीलिए दिस इज नोन एज ब्यूटाडाइन स्टाइरीन पॉलीमर। इसका छोटा नाम भी है विच इज बूना एस, दिस इज ऑल्सो नोन एज बूना एस। और राइट, अब देखो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें मैंने एक ही मोनोमेरिक यूनिट यूज किया है, राइट? और इस वाले में मैंने दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज करे हैं। तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को जिसमें एक ही मोनोमेरिक यूनिट यूज होता है, दिस इज नोन एज होमो पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे होमो पॉलीमराइजेशन। और ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स यूज करे हैं, दिस इज नोन एज को पॉलीमराइजेशन। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एडिशन में और कंडेंसेशन में हमने सबसे पहले डिफरेंस देखा, देन वी सॉ एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। और एडिशन में हमने देखा कि प्रोसेस दो दो टाइप के हो सकते हैं, होमोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन, राइट? सो लेट अस क्विकली फिनिश विद द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो इसमें मैं दो टाइप के पॉलीमर ले रही हूँ। पहला मैं ले रही हूँ एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड होता है ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस। इसके साथ मैं एक और पॉलीमर मोनोमर ले रही हूँ विच इज हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। दिस इज हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। तो इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ CH लाइक दिस। तो OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस NH2 एंड इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड माइनस H2O। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH CH2 होल 6 NH2, राइट? और इस साइड सेम CH2 होल 4 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब देखो ये प्रोसेस तो तब होगा जब हमने एक यूनिट लिया है एडिपिक एसिड का और एक यूनिट लिया है हेक्सामिथिलीन डायमीन का, राइट? बट अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें, अगर मैंने ले लिए n मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड और मैंने ले लिए n मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन, तब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसके साइड में एक और एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, यस? तो वहाँ से सेम रिएक्शन हो रहा होगा और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा होगा, एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है जिसमें हाइड्रोजन जा रहा है NH2 का, ऐसे उस एंड पे भी ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है लाइक दिस। सिमिलरली उस एंड पे, मतलब एडिपिक एसिड के एंड पे भी, जैसे यहाँ पे OH रिमूव हुआ है वहाँ पे भी हो रहा होगा अगर एक और हेक्सामिथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उस साइड, राइट? तो इस एंड से भी मैं OH रिमूव कर सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम दिस एंड एज वेल, इफ यू हैव टेकन n मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट आएगा हमारा, दैट विल बी दिस एन टाइम्स। ओके, मतलब ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा होगा एंड विच इज एन टाइम्स। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
ओके. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो.